आज अगर मैं अरब वर्ड बोलूंगा तो आप में से कई लोगों के मन में सबसे पहले इस्लाम धर्म दिमाग में आएगा। इस्लाम इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की पहचान बन चुका है, जो कि यहाँ का डोमिनेंट धर्म है, जैसे कि यूरोप में ईसाई धर्म है। इस्लाम वो जरिया था जिसने अरब के लोगों को दुनिया भर में फैलाया। इसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को इस्टेब्लिश होने में भी मदद की। एक टाइम पर इस्लाम के खलीफा ने स्पेन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक और सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक अपना प्रभाव जमा लिया था। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इस्लाम दुनिया में 7वीं सदी की शुरुआत में आया था। आखिर इस्लाम से पहले इस जगह पर था क्या? और आज जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की लड़ाइयों में, चाहे वो हमास और इसराइल की लड़ाई हो या फिर सीरिया की, क्या वो सब पहले भी होता था? आखिर इस्लाम के आने से पहले अरब के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस धर्म को मानते थे? आज के इस वीडियो में मैं आपको पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के आने के पहले का अरब बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। इसमें इसराइल भी शामिल है, इराक और कुवैत जैसे देश भी शामिल होंगे। अब अगर अपनी कहानी में मैं आगे बढ़ूं तो इस्लाम से पहले का अरब एक घुमंतू समाज था, जहां पर सैकड़ों ट्राइब्स रहती थी और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती रहती थी। इन ट्राइब्स को वहाँ की लैंग्वेज में बेदुइन ट्राइब्स कहा जाता है। इसमें से कुछ ट्राइब्स आज भी अरब की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं और यहाँ पर काफ़ी पावरफुल भी मानी जाती हैं। उस टाइम पर ये ट्राइब छोटे छोटे एरियाज में रूल करती थी और एक कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, जैसे कि यूरोप में रोमन एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर हुए थे। उस टाइम पर अरब का ये एरिया एक तरह से रेगिस्तान था, जहाँ कुछ होता नहीं था और यहाँ पर ट्राइबल रूल था। और ये ट्राइब्स कोई ऐसी वैसी ट्राइब्स नहीं थी, बल्कि इन्हें लड़ाकू ट्राइब्स माना जाता था। ये सारी ट्राइब्स आपस में इतनी ज़्यादा लड़ती थी कि इन पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। इसलिए ना तो रोमन्स ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की और ना ही बाइजेंटाइन एम्पायर के लोग इस पर कब्जा करना चाहते थे। ये बेहद ब्रूटल ट्राइब्स थी, जो खेल खेल में अपनी जान तक दे देती थी। इसलिए ही इन लोगों को लड़ाकों की तरह रोम और बाकी जगहों पर भर्ती किया जाता था। ये सेनाओं में अपनी सर्विस दिया करते थे और अलग अलग फ्रंट पर इन्हें लड़ने भेज दिया करते थे। इन छोटी छोटी ट्राइब्स का कोई नियम कानून भी नहीं होता था, जो इनके लीडर्स कहते थे वही फॉलो किया जाता था। इसमें कुछ बेहद खतरनाक ट्राइब्स भी थी, जैसे कि हनीफा ट्राइब, कुरैश ट्राइब और किलाब ट्राइब। ये सारी की सारी ट्राइब्स यहाँ की पावरफुल ट्राइब्स मानी जाती थी। अब ये लोग अपने जानवर और अपने परिवार को लेकर इधर उधर घूमा करते थे और टेंट में रहते थे। उनकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अलग थी और अगर उन सोसाइटी में किसी एक शख्स की इज्जत नहीं होती थी तो वो थी महिलाएं, क्योंकि ये सारी ट्राइब्स बेहद पैट्रियार्कल थी, यानी कि यहाँ पर मर्दों का राज चलता था। औरतों को बस बच्चे पैदा करने का जरिया माना जाता था और उन्हें एक तरह से बोझ समझा जाता था। और अगर लड़ाई में कहीं कोई हार जाए तो महिलाओं पर कब्जा करने को एक तरह से एम्बैरेसमेंट समझा जाता था। हालांकि ये बाकी दुनिया में भी होता था, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ रहने वाले लोगों की 20 से 25 तक बीवियाँ होती थी। कई बार छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, नहीं तो उन्हें जिंदा ही दफन कर देते थे। इसीलिए कुरान में इस टाइम को जहिलियत का टाइम कहा गया है। कई लोग इस्लाम के आने को अरब की महिलाओं के लिए बेहद पॉजिटिव भी मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इसके बाद महिलाओं को कुछ अधिकार मिल गए थे। फ्रेंच हिस्टोरियन मैक्सिम रॉडिंसन कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा के दम पर ही पूरा प्री इस्लामिक अरेबिया चलता था। ब्लड फॉर ब्लड की थ्योरी थी कि अगर किसी एक ट्राइब के एक आदमी को अगली ट्राइब ने मार दिया तो फिर ये पूरी ट्राइब्स आपस में युद्ध करती थी और उस एक आदमी की वजह से हजारों हजार लोग मर जाया करते थे। ये तो समाज की बात हो गई। अब अगर आप उस टाइम के रिलीजन की बात करोगे तो यहाँ पर यहूदी धर्म मेन था, जो कि यहाँ काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे। ये ज्यूस ना 1st सेंचुरी के बाद यहाँ पर आए थे और जब रोमन एम्पायर ने यहाँ पर ज्यूस का परसिक्यूशन यानी उनको भगाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये सारे यहूदी भागकर अरेबिया में आना शुरू हो गए और आगे चलकर यही यहाँ का डोमिनेंट धर्म भी बन गया इस्लाम आने से पहले, क्योंकि ये लोग काफ़ी स्ट्रांग थे और इन्होंने आगे चलकर अरब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जो रेड सी का एरिया है यहाँ पर इनका कंट्रोल था। यहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल थी और यहीं से लोग ट्रेड भी कर सकते थे। यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादातर यहूदी ही रहा करते थे। कुछ एक और ट्राइब रहती थी लेकिन यहूदी डोमिनेंट हुआ करते थे। लेकिन इस वजह से यहाँ की जो हनीफा और तमीम जैसी स्ट्रांग ट्राइब थी
उससे इनकी लड़ाई भी होती थी। लेकिन ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ज़्यादातर इकोनॉमी की लड़ाई थी, क्योंकि यहूदी रेड सी वाले एरिया पर अपना कब्जा चाहते थे और उस टाइम पर ट्राइब्स कोई एक धर्म फॉलो नहीं करती थी, बल्कि उनके अपने अपने देवता होते थे। जैसे कि कोई लाइट की पूजा करता था, तो कोई बारिश की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करता था, और इन सारी ट्राइब्स का एक तीर्थ स्थान हुआ करता था। मतलब जितनी भी ट्राइब हैं वो सारी की सारी एक ही जगह पर जाती थी, जिसका नाम था मक्का। सही सुना आपने, उस वक्त भी मक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होता था। यहाँ पर इन ट्राइब्स के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती थी। मक्का ही वो जगह भी थी जहाँ पर ट्राइब्स के झगड़ों का सुलहनामा होता था, इसलिए मक्का एक तरह से प्री इस्लामिक अरेबिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। और ये तो आप देख ही रहे हो कि आज तक ये शहर बेहद इंपॉर्टेंट है। यहूदियों के आने से पहले मक्का पर कुरैश कबीलों का कब्जा हुआ करता था। ये पूरे प्री इस्लामिक अरेबिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी, और ये कुरैश ट्राइब हबल देवी की पूजा करते थे, और ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट देवी मानी जाती थी। वहीं जिस जगह को आज हम मदीना कहते हैं, उसे तब यतरीब कहा जाता था, और इस जगह पर असद ट्राइब का कब्जा हुआ करता था। लेकिन पहली सदी में जब यहूदी यहाँ पर आए, तो उन्होंने मदीना यानी कि यतरीब पर कब्जा कर लिया। इसके आसपास औस और खजरा नाम की ट्राइब्स रहती थी। इन ट्राइब्स में आपस में बहुत बनती थी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न था बिजनेस। यहूदी असल में बिजनेस क्लास हुआ करती थी, और ये सारी ट्राइब यहूदियों के साथ मिलकर काम करती थी। ये लोग रेड सी वाले एरिया में अनाज उगाते थे, और यहूदी उस अनाज को ले जाकर बाहर बेच देते थे। इससे जो पैसा मिलता था वो ट्राइब्स आपस में बांट लेती थी। इस तरह से ये बिजनेस करते करते यहूदी यहाँ काफ़ी स्ट्रांग हो गए। यानी कि इस्लाम से पहले अगर कोई धर्म आप देखोगे तो यहूदी धर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। अब जिस रास्ते से यहूदी ट्रेड करते थे उनके सेंटर में पड़ता था यतरीब यानी कि मदीना, और इस पर यहूदियों के कब्जे की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। फिर 4th सेंचुरी जब आती है तब यहाँ पहली बार ईसाई आए। ईसाई भी काफ़ी पावरफुल थे, और उनके आते ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई यहूदियों और ईसाइयों के बीच की लड़ाई थी। यहूदी काफ़ी ताकतवर थे और मदीना पर इनका कब्जा था, और ईसाई इस पर अपना कब्जा चाहते थे, इसीलिए ईसाइयों ने यहूदियों से लड़ाई शुरू की। अब क्योंकि यहूदी अपने एरिया में पावरफुल थे और उनके ट्रेड से कहीं ना कहीं ये जितनी भी ट्राइब थी ये जुड़ी हुई थी, उनकी इकोनॉमी उनका खर्चा चलता था, इसलिए उन्होंने यहूदियों को सपोर्ट किया, और इस तरह से उन्होंने ईसाइयों को हरा दिया। और आगे चलकर 6th सदी तक यहूदी यहाँ पर डोमिनेंट थे। फिर यहाँ पर इस्लाम आता है, पैगंबर मोहम्मद आते हैं, मक्का और मदीना को एक यात्रा के थ्रू जोड़ा जाता है जिसे आज हम हज के नाम से जानते हैं। ये सब अपने आप में एक कहानी है। इस्लाम दुनिया में कैसे आया ये भी अपने आप में एक कहानी है। अब आप कमेंट करके बताओ अगर आपको इस्लाम के उदय का वीडियो चाहिए, तो मैं अलग से एक वीडियो डिटेल में उस पर भी बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।